मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी से शुरू होगी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा जाएगी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को लाभ मिलेगा। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ये कहते हुए नजर आए कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को लाभ मिलेगा। बर्फबारी के अलर्ट को लेकर भी सीएम ने विभागों को निर्देश दिए हैं। बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में मशीनरी तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा जाएगी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, और इसी के साथ भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल में थी और इसका लाभ हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। इसके बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, जिसे लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अच्छी बात है, हमारे राज्य से है जेपी नड्डा जी और उन्हें दोबारा एक्सटेंशन मिली है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हमारी पार्टी का कार्यक्रम है। अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को करना है। आने वाले समय में हम इसको हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ 26 जनवरी को करने जा रहे हैं। जो भी अलर्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है और सभी विभागों को पहले ही आदेश दे दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ बर्फबारी के कारण सड़कें ज़्यादा अवरुद्ध रहती है, उन सड़कों की पहचान करके उनको आदेश दे दिए गए। और निश्चित तौर पर जो ऐसे बर्फबारी के बाद जहाँ भी है सभी रोड को हम खोलने की कोशिश करेंगे।